हेलो फूडीज, वेलकम टू हैप्पी किचन। आज मैं बहुत ही न्यूट्रिशन रिच पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है लौकी बीटरूट पराठा। ये बहुत ही टेस्टी है खाने में और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद हम बीटरूट की एक पेस्ट रेडी करेंगे, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज के बीटरूट लिए हैं। उसको मैंने 2 विसल लगा दिए हैं। कच्चा बीटरूट नहीं लेना है आपको, उसको उबालना है। इसके अंदर मैंने 6 से 7 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का और एक हरी मिर्च ऐड करी है। सबको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसकी एक फाइन पेस्ट रेडी करनी है। दोनों पेस्ट को हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे, चुटकी हींग, 1 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 आधी चम्मच जितने तिल, सफेद तिल यूज कर रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप फ्रेश मेथी या फ्रेश धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, 1/2 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर और गेहूं का आटा। आटा गूंदने में आपको किसी भी तरीके का पानी का यूज नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिए, तभी जाके सभी फ्लेवर्स है जो वो एनहेंस होंगे। आटा हमें वही मॉइस्चर से गून लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरीके से वापस से मार लेंगे। अब हम एक पोर्शन लेते हैं आटे का। थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये आटे को आपको रेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि लौकी में भी मॉइस्चर होता है तो वो रिलीज करेगा। तो इस आटे को आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। डायरेक्टली आप पराठा बना सकते हो और इसको आप लो मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से ऑयल लगा के अच्छी तरीके से सेक लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही डेलिशियस बनता है एंड ये खाने में भी उतना ही सॉफ्ट बनता है। आप इसको दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ या ऐसे भी खाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए है ना ये मजेदार रेसिपी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल हैप्पी किचन फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। थैंक यू।